साथियों नमस्कार, हम इस समय प्रयागराज कुंभ में हैं। हम सब फेसबुक पर जानते थे एक दूसरे को, जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ, आज पहली बार आमने सामने हुए हैं। आइए जानते हैं कुंभ को लेकर आप सबकी क्या राय है, आप सबके दिल में क्या विचार है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शुभम चौधरी है और मैं मध्य प्रदेश में छतरपुर से आता हूँ। तो जैसे ही आज, मतलब मैंने और भी इसके पहले भी कई कुंभ गया हूँ, पर जब ये प्रयागराज में इस कुंभ में आया तो देखा कि मतलब जितनी साफ सफाई और जितनी व्यवस्थित तरीके से ये कुंभ लगा है, इतना व्यवस्थित तरीके से मैंने इसमें सिंहस्थ भी देखा है, इसके पहले 2013 का भी यहाँ कुंभ देखा है, महाकुंभ देखा है, पर इतना बढ़िया और इतना सुव्यवस्थित कुंभ नहीं था। हमेशा मतलब हमारे घर वाले बोला करते थे कि मतलब प्रयागराज ऐसा एक तीर्थ है जिसका नाम लेकर ही सारे पाप धुल जाते हैं, परंतु लोगों का पाप धोते धोते प्रयागराज गंदा हो जाता है। पर इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, मतलब इतने सारी मात्रा में लोग आ रहे हैं और शायद ही इतने अर्धकुंभ में इतने लोग कभी आए हों, पर इतने लोग से ज्यादा लोग इस बार आ रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, इतने बढ़िया व्यवस्थित पंडाल लगे हैं कि मतलब सच में जो टैगलाइन दी गई है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, वो साकार करके दिखाई है योगी जी ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। मैं उत्कर्ष उपाध्याय, मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से हूँ। बहुत अच्छा एक दिव्य अनुभव इस कुंभ के माध्यम से हमें दिख रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें, स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जो सराहनीय काम है इस बार कुंभ में। मैं व्यक्तिगत रूप से और समस्त श्रद्धालु देख रहे हैं, स्वच्छता बहुत सराहनीय कार्य है, अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छी सुविधा है, बिजली की बहुत अच्छी प्रबंध है और बहुत ही अच्छा अनुकूल माहौल बढ़िया घूमने के लिए बना के रखा गया है। मेला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, राज्य सरकार के लिए मेला प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। जी मेरा नाम आनंद है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और कुंभ आया हूँ। कुंभ में बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, यहाँ पे साधु संतों का माहौल, जिसने भक्ति में माहौल, जिसने पूरे दिमाग की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। और बात संगम तट के किनारे ये संगीतमय राममय कृष्णमय जो गीत होते हैं, इससे दिमाग में उपजी सारी दुविधाएं दूर हो चुकी हैं और एक प्रकार से मोक्ष प्राप्ति जिसको आप कह सकते हैं, उसका एक द्वार, एक आयाम है जिसको हम छू रहे हैं। और इतना साफ सुथरा वातावरण, योगी जी की जय हो और प्रशासन की जय हो। स्वामी राम शंकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मित्रों के साथ, जो अपने इस डिजिटल प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे कुंभ के दर्शन, प्रयागराज में जो नहीं है उनको भी भव्य कुंभ दिव्य कुंभ के दर्शन अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से करवा रहे हैं। जब तक हम इस कुंभ में नहीं आए थे तब तक हम स्वामी जी के माध्यम से ही लाइव वीडियो से दिखा करते थे इस कुंभ को। धन्यवाद। ये तो कुंभ की बातें हुई, लेकिन कुंभ के साथ साथ और भी बातें करेंगे, भक्ति भजन को लेकर आप लोगों को क्या राय है, क्या सोच है? नहीं, अभी क्योंकि यहाँ तो 24 घंटे भक्ति भजन चलता है, यहाँ करके तो ऐसा लगता है कि आप देव द्वार में ही हो, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रयागराज में आते हो, इस कुंभ मेले में आते हो, तो आपको लगे कि आप एक ही पूरा पंडाल ही, पूरा परिसर ही अपना आप में मंदिर है और जहाँ आप चाहे वहाँ बैठ के भजन करें, जहाँ मन चाहे वहाँ बैठ के ध्यान लगाएं, अपने आप में ही आनंद है। जीवन की बात हम करें, मेरा संबंध, मेरे बातचीत का संबंध जीवन से है। जब आप जवान होते हैं, जब आप युवा होते हैं, ऐसे में भक्ति भजन की स्थिति कितनी रहती है भीतर और कितनी आवश्यक है? जिस युवा अवस्था में आप में से जैसे युवा हूँ, तो जैसे मैं बताऊँ, प्रारंभिक युवा अवस्था में तो इतना भक्ति से थोड़ा दूर ही रहता है जहाँ तक, लेकिन एक युवा अवस्था में भी एक उम्र रहती है जिसको, जिसके निकट पहुँचते ही वह युवा भक्ति अध्यात्म सबके प्रति एक उसका झुकाव और एक लगाव आता है। आज उसी नाते मैं अपने मित्रों के साथ पिछले 2-3 दिन से कुंभ में हूँ और आगामी मेरा भी 1-10 दिन का कार्यक्रम है जिसमें भक्ति आराधना, अपनी भारतीय संस्कृति धर्म सबकी अनुभूति का हम लोग को ज्ञान करना है।
आपका अभिषेक शर्मा। कहाँ से अभिषेक? इलाहाबाद से हूँ। कैसा लग रहा है? यह तो बहुत बढ़िया है, हम तो यहीं के हैं। इसके पहले कुंभ देखा? हाँ बिल्कुल देखा, हर साल हम तो यहीं। इस बार क्या खास बात नजर आ रही है? सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जैसे यहाँ के योगी रहते हैं, हर चीज योगियों के हिसाब से है। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ इस बार, सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पे। गंगा मनाए आप लोग? गंगा नहाए, गंगा में सफाई बहुत अच्छी थी। क्या सीख रहे हैं इस कुंभ से? हर चीज के प्रति, धर्म के प्रति कुछ करना चाहिए। किसी बाबा बा से मिले हैं? अभी तो नहीं, बाबा मिलने का इरादा है। मतलब गंगा के किनारे हैं बाबाओं के बीच में, तो बाबा लोग मिलेंगे? नहीं अभी तो नहीं मिले, मिलेंगे अभी चाहे मौनी अमरसा के दिन मिलेंगे। कौन से बाबा आपको पसंद है ज्यादा? नरेंद्र गिरी है हमारे बाबा जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी। मतलब बड़े बाबा आपके जानने वाले हैं, और छोटे बाबा से नहीं मिलना चाहेंगे? वही हमारे गाँव के हैं, उनसे मिल जानते हैं। कितनी बात करते हैं उनके साथ? बहुत ज्यादा, कभी काल मिलिए, आते हैं गाँव में। अगली बार मिलिएगा तो पूछिएगा बाबा क्यों बने हैं। ठीक है, ठीक। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा ही है। कौन सी बात आप सीख के जा रहे हैं इस कुंभ से? यार अभी आए, अभी हम घूमेंगे, घूमेंगे तब बताएंगे। अभी आया, अच्छा लग रहा है सबसे, बहुत अच्छा। बाबा का जो मॉल है वो अच्छा लग रहा है। भारतीय कुंभ बजरंग के आपके बाबा के चार कुंभ है ना, सबसे बड़ा अच्छा कुंभ यही बना है। उज्जैन से और नासिक से अच्छा ये रहा। आप लोग कहाँ से हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। Oh,
दिव्य भव्य अनुभव हो रहा है। आनंद की लहरियाँ कुंभ में संतों के द्वारा जो वचनामृत है, कुंभ से निकला हुआ जो अमृत है वो क्या है, संत ही कुंभ है। इस संगम में सबसे बड़ा संगम है कि हर एक धर्मों का संगम सनातन धर्म में हो रहा है और वो लोग सनातन धर्म से प्रेरणा लेकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पर मुख्य प्रचार कुंभ का हो रहा है। इस बार जिस तरह आयोजन हुआ है, सरकार का जिस तरह से सहयोग मिला है संतों के बड़े उत्सव को, उसको आप आने वाले समय के लिए कितना सही मानते हैं? यह एक प्लेटफार्म अच्छा है। ये जो सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई है, सड़कों को चौड़ाई और हर जगह डस्टबिन, लोग भी खोज रहे हैं कि हम डस्टबिन में कूड़े कचड़े को रखें, तो ये जो सरकार का मुहिम चला ये अच्छा है, सफाई की ओर जागरूकता है। इसके अलावा सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी है, बेहतर है। कुंभ के इस चमकते दमकते दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुंभ का जो वास्तविक मर्म था, स्वरूप था, वो आने वाले समय में खो जाएगा? कुंभ अपने आप में वास्तविक है, इसके अलावा जितने भी कार्य हैं वो अवास्तविक है। कुंभ ही वास्तविक है। अब कुंभ को चाहे आप जैसे एक मूर्ति है, चाहे उसको पीला कपड़ा पहनाओ, चाहे काला कपड़ा पहनाओ या और स्वच्छ कपड़ा पहनाओ, वैसे ही कुंभ है। कुंभ एक धारण करने वाले धर्म है और उसको हम किस ढंग से लोगों तक बांट सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं या अपने को और मॉडलाइज करते हुए भी हम अपने अध्यात्म को पिरोए रखें। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलते चलते चाहूँगा अपना परिचय दें, आप कहाँ रहते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं? मेरा नाम मिथिला बिहारी दास। तुझे तो मैं हार समझा था, अरे कला अपना सजाने को, आज विषैली नागिन बनने की है, मुझे ही कहा खाने को। बहन देवी मेरे काल को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, नीचे रथ से उतर जा, अब तेरा रथ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, उतर, नीचे उतर बहन देवी। केश पकर देव की गहलीनी, ना कछु आलो बहन की कीनी। केशों को पकड़ा और केश पकड़ करके रथ में से धरती पर गाल दिया और मुझसे कुछ कहने लगे। वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह, एक काम करो क्या कहना चाहती है बहन? बोल चला दे। मेरा कुछ दोष, कोई दोष नहीं है बहन, मेरा कुछ अपराध, कोई अपराध नहीं है भैया। भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्याय चाहता हूँ बहन। भैया मैं एक अबला गाय हूँ। अगर तू एक अबला गाय है तो एक मैं भूखा सिंह हूँ। भैया तुम मेरे हाथ की इन हरी हरी चूड़ी को देख। पहला देख चुका मैं तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को। भैया मेरे हाथ की मेहंदी को देख। तुम्हारी मेहंदी को मैंने देख लिया। भैया मेरे पान के महावर को देख। बहन देखी आज तुम्हारे पैरों का महावर मेरे लिए पिस बन चुका है बहन। भैया तुम मेरी माथे की बिंदिया को देख। देख लिया तुम्हारे माथे की बिंदिया बहन देखी। भैया मेरे मान के सिंदूर को देख। आज तेरा मान का सिंदूर मेरे लिए कष्टदायी होने जा रहा है। आश्चर्य काटा बने पंखड़ी सुमन की, बड़े भाई की धड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी खड़क भाई की, हाँ हाँ चलेगी खड़क भाई की, अरे गर्दन पर बहन की, से चलेगा तेरे रक्त से अपने जीवन के चमन की। ये जगत के रहने वालों आज अपनी आंखें बंद कर लो, तुम लगन मंडल के द्वारा
चिता जलती है दुल्हन की।